इन दोस्तों स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री के भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध तिथियां एवं उनसे संबंधित जो घटनाएं रहेंगी उस विषय में हम लोग चर्चाएं करेंगे। तो बच्चों आइए चलिए देखते हैं ये जो तिथियाँ कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट रहती हैं। तो पहला है 2500 ईसा पूर्व में कौन सी घटना घटित हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो उदय हुआ था ये जो है 2500 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला है कि वैदिक युग का आरंभ कब होता है। तो यदि वैदिक युग का जो प्रारंभ होता है वो 1700 ईसा पूर्व में होता है। जो ईसा पूर्व में होता है बच्चों घटते क्रम में होता है, जो ईस्वी होती है वो बढ़ते क्रम में। इतनी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। और 1000 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, ब्राह्मण ग्रंथों का रचना काल हुआ था। जो ब्राह्मण ग्रंथ का रचना काल हुआ था ये 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। महाभारत युद्ध ये जो है 950 ईसा पूर्व में बच्चों हुआ था। महाभारत रचना किसने की थी, वेद व्यास ने जो है की थी। 800 ईसा पूर्व क्या हुआ था, व्यास व्यास द्वारा जो है महाभारत महाकाव्य की रचना हुई थी। अगला है कि उपनिषदों का रचना काल कब माना जाता है। तो ये जो है दोस्तों 600 से 550 ईसा पूर्व माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, 599 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी आप जानते हैं जौन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगला देखेंगे हम लोग 567 ईसा पूर्व क्या हुआ बच्चों, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा गौतम बुद्ध, इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 544 ईसा पूर्व में बिम्बिसार का राज्यारोहण हुआ था। 544 ईसा पूर्व में बिम्बिसार का राज्यारोहण हुआ था। और 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। 533 ईसा पूर्व दोस्तों महात्मा बुद्ध का गृह त्याग, यानी महात्मा बुद्ध ने जो है गृह त्याग कब दिया था, 533 ईसा पूर्व में। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी, तो 527 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की जो है क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 492 ईसा पूर्व क्या हुआ था दोस्तों, अजात शत्रु का राज्यारोहण। 567 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। 567 ईसा पूर्व में 486 से 87 ईसा पूर्व में भी या 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की जो है मृत्यु हुई थी। और 468 ईसा पूर्व महावीर का निर्वाण तिथि मानी जाती है। और 375 ईस्वी में चाणक्य के जन्म की अनुमत तिथि। आगे देखेंगे हम लोग 336 ईसा पूर्व में सिकंदर का सिंहासन रोहण हुआ था। और 326-325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर जो है आक्रमण किया था। 322-323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मगध का सम्राट बना और उसके मगध पर अपने वंश का शासन स्थापित किया था। सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईसा पूर्व में हुई थी। सिकंदर की जो मृत्यु हुई थी ये 323 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में सेल्कस ने चंद्रगुप्त मौर्य पर जो है आक्रमण किया, जिसमें वह जो है क्या हुआ, परास्त हुआ बच्चों। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की जो है मृत्यु एवं बिंदुसार का राज्यारोहण होता है। 273 ईसा पूर्व में अशोक मगध की गद्दी पर जो है बैठा। और 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ जिसका अशोक पर गहरा प्रभाव पड़ा और उसने जो है भविष्य में युद्ध न करने की जो है प्रतिज्ञा की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में तिथि बहुत संगीति हुई थी। और 236 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। और बच्चों 237 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु पुराणों के अनुसार, और 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हुई। ये पुराणों के अनुसार है, ये वैसे है। 187 ईसा पूर्व पुष्यमित्र शुंग ने सेना का समर्थन प्राप्त किया। 1290 ईसा पूर्व देखो तिथि, दिल्ली संतरंश से गुलाम वंश के शासन का अंत हुआ और खिलजी वंश का शासन स्थापित हुआ। जलालुद्दीन खिलजी का राज्यारोहण। 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन का जो है देवगिरी पर जो है आक्रमण हुआ। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का जो है संतरंश बना। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन की जो है गुजरात विजय होती है। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने राजपूती राज मेवाड़ा पर जो है विजय प्राप्त किया। 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक गफूर द्वारा जो है देवगिरी की जो है विजय होती है। और 1309 ईस्वी में क्या होता है, मलिक कफूर द्वारा जो है तेलंगाना की विजय।